हेलो एवरी वन सो माई सिल्वेंट शूड वेलकम टू माई चैनल मिस बॉटन एन टोडेज वीडियो आई बी टेलिंग यू अब द टॉपिक जीरो सीरीज तो आज की वीडियो में हम लोग जीरो सीरी के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले मैंने हाइड्रो सीरी के बारे में आपको बताया था और इकोलॉजिकल सक्सेशन पर ये मेरी फोर्थ वीडियो है तो अगर आपने वो पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाके पहले उन थ्री वीडियोज़ को देखें और तब जाके आप जीरो सीरी के बारे में पढ़ें तो जनरली जीरो बोले जिराज बोले एक ही कंडीशन होती है तो आप डिफाइन करते हो द सक्सेशन दैट अकर इन ड्राई कंडीशन ड्राई कंडीशन में होने वाले सक्सेशन को या फिर टेरिस्ट्रियल कंडीशन में होने वाले सक्सेशन को मोस्टली हम लोग जीरो सीरी बोलते हैं अब इसकी क्या क्या स्टेजेस होती है तो सबसे पहली जो स्टेज हमें देखने को मिलती है जीरो सीरी के अंदर वो होती है क्रस्टोज लाइकन की ठीक है अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कोई भी चॉकलेट हम खाते हैं ना तो हमें क्रस्ट बहुत पसंद होता है उसका तो सबसे पहली लेयर जो होती है वो क्रस्ट होती है हमारी ओके okay. या आप अर्थ के रिस्पेक्ट पे इसको याद कर सकते हो कि भाई जब भी हम पढ़ते हैं ना अर्थ की लेयर तीन होती है क्रस्ट मेंटल कोर उसमें हम बोलते हैं कि सबसे पहली वाली जो रेयर है वो क्रस्टोज लाइक है तो क्रस्टोज वर्ड जब आता है वो हमारे पाइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी है लाइक में बहुत सारी वीडियो मैंने डाली है, आप जाके चेक कर सकते हो तो लाइकन्स के टाइप जब हम पढ़ते हैं तो क्रस्टोज लाइकन फॉलियोज लाइकन फ्रूटिकोज लाइकन अलग अलग होते हैं फिलामेंटस लाइकन्स ठीक है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले कहीं पे ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं वो होते हैं क्रस्टोज़ लाइकन ओके सो ये जो क्रस्टोज लाइक होते हैं ये जीरो के की तरह वर्क करता है पाइनियर क्या होता है वो ऑर्गेनिज्म एरिया में सबसे पहले ग्रो करने का कैपेबिलिटी रखते हैं ओके okay? सो दे माइग्रेट टू रॉक बाई मीन ऑफ विंड बॉन्ड स्पोर्स इन सोरिडिया जिन्होंने लाइक पढ़ा होगा उनको पता होता है सोरिडिया क्या होता है सोरिडिया जो होते हैं इसके स्पोर्स है, होते हैं दे स्टार्ट टू रिलीज केमिकल दैट लूज इन पार्टिकल्स ऑफ द रॉक रिजल्टिंग इन द स्लो फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल तो भाई लाइक में सबसे पहले जो क्रस्टोज लाइकन है वो जाते हैं विंड ब्लो डिस्पर्जल होता है उसके अकॉर्डिंग वो किसी रॉक से स्टिक हो गए स्टिक होने के बाद आपको पता ही होगा कि जो लाइक होते हैं वो किसी टाइप के केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि सॉइल पार्टिकल के फॉर्मेशन में करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द रॉक पार्टिकल तो धीरे धीरे वो रॉक पार्टिकल्स को खाना शुरू करते हैं और एज अ रिजल्ट क्या होता है हमारा धीरे धीरे सॉइल बनने लगती है क्रस्टोस लाइक के कुछ एग्जाम्पल में हम लोग राइजो या याडीनिया को यहाँ पे ले सकते हैं नेक्स्ट वी हैव द फॉलियज लाइकन देखो फॉलियज वर्ड जब भी होता है ना हम लीफ के लिए यूज करते हैं तो ये जो लाइकन होते हैं बिल्कुल पत्तियों की तरह दिखते हैं यानी कि लीफ लाइक अटैच एट वन पॉइंट एक पॉइंट पे अटैच रहता है और कुछ इस तरीके से जो होता है इनका स्ट्रक्चर हो जाता है लाइक दिस इस तरीके से दिखते हैं ये लाइकन ओके क्रस्टोज लाइकन तो इस तरीके से अर्थ की सरफेस पे क्या होता है वो एम्बेडेड रहते हैं इसका मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी आगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा तो देखो जो फॉलियज लाइकन होते हैं वो बिल्कुल लीफ लाइक होते हैं दे आर अटैच एट वन पॉइंट एक पॉइंट पे अटैच रहते हैं

इसके बाद से जो थर्ड स्टेज इसकी आती है वो होती है मॉस स्टेज ओके तो हमने दो स्टेजेस पढ़ ली पहली स्टेज हमने क्रस्टोस पढ़ी दूसरी स्टेज हम लोगों ने पढ़ी है पे और थर्ड स्टेज 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 जो हम पढ़ेंगे वो है है मॉस मॉस तो क्या हो जाती है हमारी दे फॉर एंड पेनेटरेट डीप इन टू दॉय टू द लाइक द लाइकन बिकम डेड एंड एड मोर ह्यूमस कंटेंट मिनरल्स एंड ह्यूमस कंबाइन एंड फॉर्म अ अटेबल इन्वायरमेंट फॉर हर्बेशियस प्लांट तो देखो मॉसिस क्या होता है मॉसिस जनरली हमारे ब्रायोफर

ेंगे तो इनके और, और लाइकेन्स के बीच में कंपटीशन चलेगा लाइकेन्स के पास तो कोई भी रूट्स या फिर राइज़ोइड्स हैं नहीं ना मोस्ट ऑफ द कंडीशन में राइज़ोइड्स एब्सेंट रहते हैं वहाँ पे तो क्या होगा एक तरीके से इनकी जो राइज़ोइड्स हैं वो ज्यादा डीप जाने की वजह से ये एक्सेसस क्या करते है एक्सेसस वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है लाइकेन्स क्या होते हैं वो वाटर की स्कैसिटी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है ठीक है तो वो लाइक की डेथ हुई तो यानी कि वो क्या बनाएंगे ह्यूमस कंटेंट बनाएंगे और ये जब मॉस की अपनी डेथ हो जाएगी तो मॉस की डेथ के बाद ये भी ह्यूमस कंटेंट बनाएंगे और इतना ज्यादा ह्यूमस कंटेंट हो जाएगा कि वहां पे कोई भी हर्बेशस प्लांट अपना ग्रो कर सकता है तो मॉस स्टेज में कुछ एग्जाम्पल लाइक टोंडा हो जाता है या फिर हमारा पॉलीट्राइकम हो जाता है आफ्टर दिस वी हैव द हर्बेशस स्टेज अब मॉस स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज हमारी यहाँ पे आती है वो होती है हर्बेशस स्टेज सो लाइकन एंड मॉसिस डेड मैटर इंक्रीज वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द Soil and its organic content. For example, वर्बेस्कम पोवा पोटेंटिला जिसियानबर्जिया दे इंक्रीज ट्रांसपीरेशन प्रोसेस रिड्यूस द टेम्परेचर नाउ बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम में स्टैब्लिड तो देखो होता क्या है इधर पे जैसे लाइक खत्म हुए मोस खत्म हुए मॉसिस के बाद इतना वहाँ पे हमारा ह्यूमस आ गया कि वह हर्ब्स आराम से ग्रो कर सकते हैं तो लाइकंस और मॉसिस की डेथ के बाद उधर पे क्या है हर्ब्स आए ये कुछ हर्ब्स हमारे वहाँ पे ग्रो करने लगे अब भाई हर्ब्स आए तो हमें पता है कि जो हर्ब्स होते हैं वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस शो करते हैं ट्रांसपीरेशन मतलब से हमारा एवेपरेशन होना उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं ट्रांसपेरेशन होने की वजह से क्या होता है टेम्परेचर पे, पे तो हो लो, लो होने की कंडीशन क्रिएट होती है जहां पे कुछ हमारे फंजाई बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं फिर हर्ब्स की डेथ होगी तो वो और ज्यादा क्या करेंगे हमारे फॉर्मेशन करेंगे अब हर्ब्स बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है हमारी श्रबी स्टेज श्रब स्टेज में क्या आ जाता है

कुछ एग्जाम्पल जो कि हम लोग श्रब्स के अंदर ले सकते हैं लाइक वी हैव द रूबस ठीक है रूस एंड वी हैव द कैपेरिस ये कुछ एग्जाम्पल है हम लोग जो कि श्रब स्टेज के अंदर डाल सकते हैं एंड फाइनली जो लास्ट स्टेज हमारी आती है वो होती है क्लाइमेक्स स्टेज फर्स्ट ट्री स्पीसीज मोस्टली हमारे जीरो फाइट्स होते हैं जीरो फाइट्स के अंदर आप जैसे जिम्नोस्टॉमिक प्लांट्स होते हैं ना वो जीरो फाइट्स ही आ जाते हैं जो कि ड्राई हैबिटेट पे ग्रो करते हैं दे ग्रेजुअली रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ अदर इंडियोस्टोमिक ट्रीज विद इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर अ डेंस वेल डेवलप फॉरेस्ट इज फाइनली अचीव इन केस ऑफ क्लाइमेक्स ठीक है तो क्लाइमेक्स वही है जैसे मैंने आपको हाइड्रो में बताया था कि पॉन्ड इको सिस्टम किस तरीके से हमारा किस में कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट होता है फॉरेस्ट में वैसे ही हमने जीरो सीरी के अंदर पढ़ा कि एक एबेंडेंट एरिया थी जहां पे कोई भी लाइफ फॉर्म पहले एग्जिस्ट नहीं कर करती थी वहाँ क्रस्टोज लाइकन आया फिर फॉलीज लाइकन आया फिर मॉस स्टेज आई हर्ब्स आई श्रब्स आई, फाइनली हमारे ट्रीज आने के बाद एक कंप्लीट फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ जिसको हमने क्लाइमेट कम्युनिटी बोला ठीक है तो यही आता है जीरो सीरी के अलग अलग स्टेजेस के अंदर अब हम इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो सीरी ये जीरो सीरी का जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सबसे पहले आप देख सकते हो कि इधर पूरी हमारी बेयर एरिया है ठीक है इस बेयर एरिया में ये हमारा बेर सरफेस था जहां पे क्या हुआ मतलब ये पत्थर है एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये हमारा रॉक है बस एक खाली पड़ा हुआ रॉक था हमारे पास एक रॉकी एरिया थी और वहां पे क्या हुआ कि डिस्पर्सल हुआ लाइक के स्पोर्ट्स का और इधर आके कस्टोस लाइकन चिपक गए इसमें चिपक क्या गए मतलब ग्रो हो गए ग्रो होने के बाद क्या हुआ धीरे धीरे हमारा लाइक की कैटेगरी मॉडिफाई हुई कस्टोज लाइकन्स के बाद बने हमारे फॉलियज लाइकन लागें। लाइक के बाद क्या हमारे मौसस आए हमारे मॉसेज आए मॉसेस में भी जो क्या है हमारे मोस्टली स्पैगनम जो होता है ना वो यहाँ पे ग्रो करता है तो स्पैगनम वाली कैटेगरी हमारे मॉसेज आए अब मॉसिस क्या हुआ मॉसिस और लाइकन्स के बीच में कॉम्पिटिशन होना शुरू हुआ भाई पानी कौन ज्यादा एब्जॉर्ड

टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे हमें क्या करना है इकोलॉजिकल सक्सेशन को एक्सप्लेन करना है तो आप जीरो सेरी के एग्जाम्पल्स एक उसको तो एक्सप्लेन करते हो तो आई होप कि आपको ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन पे मैंने फोर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करी थी उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी अगर आपको हेल्प मिली होगी तो, तो प्लीज शेयर टूट योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड हेल्प मी टू ग्रो माय चैनल सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू